नमस्कार दोस्तों, राजेश कुमार कौशिक ऑनलाइन लॉ क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में आपसे ये निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिल सके। आज हम जिस सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है विधि शास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो है रूढ़ी, जिसे अंग्रेजी में कस्टम भी कहा जाता है। रूढ़ी क्या है? तो समाज में समाज द्वारा अपनाए गए कुछ ऐसे नियम जिनमें विधि का बल है, जिनमें कानूनी बल है, उसे हम रूढ़ी कहते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, क्योंकि उसके अंदर तर्क वाली बातों को शामिल किया गया है, इसलिए रूढ़ी भी नियमों का वो संग्रह है जिसके द्वारा समाज में लोगों द्वारा उसे अपनाई जाती है और ला या विधि द्वारा भी उसे मान्यता प्रदान की जाती है। रूढ़ी क्या है? सबसे पहले मैं आपको रूढ़ी का परिचय देना चाहता हूँ, प्रस्तावना में बताना चाहता हूँ कि रूढ़ी समाज में लोगों के द्वारा अपनाए गए नियम हैं और लोग उनका इस्तेमाल निरंतर करते रहे हैं धीरे धीरे, और उनका निरंतर इस्तेमाल करने से उसके अंदर ला का फोर्स या कानूनी ताकत उनके अंदर आ गई। देखिए, मुझका जब पुराना काल देखिए, पुरातन काल से हम इसको देखना चाहें तो रूढ़ी के बारे में मनुस्मृति में बहुत अच्छी बात लिखी गई और लिखा गया है कि व्यक्ति को उन्हीं बातों का अनुसरण करना चाहिए जो उसके पिता या दादा या उनके पूर्वज करते थे। महाभारत में भी इस विषय पर काफी कुछ लिखा गया है कि हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने किसी चीज को कुछ ऐसा काम किया है कि जिसका अनुकरण किया जा सकता है, तो हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। रूढ़ी के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स या इसके आवश्यक तत्वों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो इसके आवश्यक तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है रूढ़ी का, और वो है कि ये अति प्राचीन होगी। अति प्राचीन होगी मतलब इसकी विशेषता ये होगी कि इसके बारे में कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता कि ये समाज में कब प्रचलन में आई। इसलिए इसका अति प्राचीन होना, कोई भी मनुष्य ये नहीं जानता हो कि ये कब प्रचलन में आई है। समाज में एक शब्द का प्रयोग और किया जाता है, प्रथा। कुछ लोग रूढ़ी और प्रथा दोनों को एक मानते हैं, लेकिन रूढ़ी और प्रथा में जो मेजर अंतर है, जो महत्वपूर्ण अंतर है, वो यही है कि रूढ़ी लगातार प्राचीन काल से प्रचलन में होगी, प्रथा की विशेषता यह है कि ये लगातार प्रचलन में नहीं होगी, बीच बीच में इसके अंदर ब्रेक भी लग जाएगा। यहाँ पर मैं एक हॉलैंड की परिभाषा आपके सामने बताना चाहता हूँ। हॉलैंड ने रूढ़ी की परिभाषा बहुत अच्छे से परिभाषित की है। उसका कहना है कि आचरण की वो प्रणाली, व्यक्तियों के आचरण की वह प्रणाली जिसे समाज में निरंतर जो है वो प्रचलन में लाया जा रहा है और व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास कर रहा है। उसी प्रकार से जिस तरीके से घास के मैदान पर लगातार चलने से वहां पर धीरे धीरे पगडंडी का निर्माण हो जाता है, इसी तरीके से लगातार विधिक नियमों पर चलने पर धीरे धीरे वह रूढ़ी का नियम, रूढ़ी का पद धारण कर लेती है और उसके अंदर ला का ताकत या फोर्स आ जाता है। इसीलिए रूढ़ी अति प्राचीन होगी, इसके सोर्सेस के बारे में कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता। दूसरी विशेषता इसकी रहेगी, ये कंटिन्यूअसली रहेगी, मतलब ये निरंतर चलने वाली रहेगी, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन या अवरोध या ब्रेक नहीं होगा, ये कंटिन्यूशन में चलेगी, इसका प्रयोग होना आवश्यक है। देखिए, कभी भी ये रुकेगी बीच में नहीं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा प्रथा के बारे में, प्रथा की विशेषता ऐसी है कि ये एक बार प्रचलन में और चलती है और कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये लगातार कंटिन्यूसली चलेगी और इस पर जो है वो मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में अधिकार पूर्वक कह पाएगा नहीं। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जो रूढ़ी में लॉ का ताकत होगी, मतलब उसके अंदर विधिक बल होगा, अर्थात वो प्रचलित विधि के अनुरूप होगी। देखिए, पुरातन काल में कुछ ऐसी रूढ़ियाँ, बहुविवाह या कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देना या लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने में रोकना, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी। चूंकि वो लीगल नहीं थी, विधिक नहीं थी, इसलिए हमारे समाज ने उसे एक्सेप्टेंस
नहीं किया। समाज उन्हीं रूढ़ियों को एक्सेप्टेंस करता है, उन्हें ही ग्रहण करता है, उन पर ही चलना पसंद करता है जो लीगल हो, जो विधिक हो। विधिक अगर होगी तो उस पर कोई भी व्यक्ति बिलीव कर सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होगी और वो होगी ये निश्चित होगी, इनका इनकी निश्चितता इस बात का प्रमाण होगी कि समाज इसे एक्सेप्टेंस करेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चौथी चीज होगी वो होगी रीजनेबल होगी, मतलब युक्तियुक्त होगी। युक्तियुक्त का मतलब होगा कि ये प्रचलित जो विधि से होगी वो सुसंगत होगी, विधि के अनुरूप होगी। जैसे मैं बहुत अच्छा केस के बारे में आपसे डिस्कशन करूँ, आर बनाम कृष्णा का एक पुराना वाद आया था जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी नातिन से शादी करने का कोशिश किया था और इसके लिए उसने बोला था कि नहीं हमारे यहाँ समाज में इस तरीके की रूढ़ियाँ हैं, तो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर स्पष्ट व्याख्या कर दी कि नहीं, चूंकि आप अपनी नातिन से शादी करोगे तो नातिन से शादी करने में ये आपको, चूंकि ये युक्तियुक्त नहीं है, समाज में संदेह उत्पन्न करेगी या समाज में अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए उसको उन्होंने ठीक नहीं माना। फिर अगली विशेषता होगी संगतता। संगतता का मतलब होगी अभी जो हमारा समाज प्रचलन में है, इस समाज के प्रचलन के अकॉर्डिंग ये रूढ़ी होगी, ये रूढ़ी विधि से संगत होगी, सुसंगत होगी, कभी भी ये इससे आगे जाएगी नहीं। और सबसे जो पांच छठा पॉइंट्स है वो है इसके अंदर ताकत होगा फोर्स का, ला का ताकत होगी, ला की फोर्स होगा इसके अंदर, इसके अंदर विधि का बाध्यकारी बल होगा। देखिए जो जो विधि की जो रूढ़ी की विशेषता है वो मैंने आपके सामने डिस्कशन कर दिया, ये बड़े महत्वपूर्ण जो बात है ये इसके अंदर कंटिन्यूअसली होगी, समाज इसे एक्सेप्टेंस करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर लीगल होगी। लेकिन हम जानते हैं कि लॉ जो है इसका स्रोत पे काम करता है, फोर्स लॉ हमेशा कहाँ से प्राप्त होता है, तो जब हम रूढ़ी की बात करते हैं तो लॉ इससे भी फोर्स प्राप्त करता है, रूढ़ी से ला को सोर्स प्राप्त होता है। जब हमारी ला बनाने वाली संस्थाएं को जब कभी भी सोर्स की जरूरत होती है तो वो जो है वो रूढ़ी से सोर्स धारण करती है, विधि से सोर्स धारण करती है। साथ ही चूंकि इसके उद्भव के बारे में कोई किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पता नहीं होता है, रूढ़ी के उद्भव के बारे में किसी भी व्यक्ति को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसकी जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्रचलन में आती है, तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है वो है कि इसका जो प्रारंभिक चरण होता है वो पूरी तरीके से जो है वो निश्चित नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब ये शुरू होती है तो समाज में चलना शुरू होती है और उसके अंदर चूंकि ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली चलती है इसलिए इसके अंदर निश्चितता आ जाती है, इसके अंदर निश्चितता आ जाती है और धीरे धीरे ये क्या कर लेती है, फिर धीरे धीरे ये ला का रूप धारण कर लेती है, ये विधि का रूप धारण कर लेती है। जब इसके हम चलने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो ये इसके अंदर विधि का बल आ जाता है। फिर सेकेंड बात होती है धीरे धीरे जब प्रारंभिक काल के बाद चलना शुरू होती है तो समाज इसे मान्यता प्रदान करना शुरू कर देता है। जब समाज इसे मान्यता प्रदान करना शुरू कर देता है तो इसके अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है ला की, और जब इसके अंदर विधि की ताकत आ जाती है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हम जब इससे और आगे चलते हैं तो बाद में धीरे धीरे जब प्रारंभिक चरण के बाद इसका द्वितीय चरण, तृतीय चरण में धीरे धीरे जब इसे मान्यता मिल जाती है, जब इसके अंदर विधि का बल आ जाता है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसे अपने न्याय निर्णय में शामिल कर दिया जाता है। तो इसको चूंकि अब न्याय निर्णय में यदि इसे शामिल कर लिया जाता है तो इसे ला द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। और बाद में फिर इसका जो जब न्याय निर्णय द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो ये बात लेजिस्लेशन के संबंध में आ जाती है और बाद में इसके आधार पर विधायनों का निर्माण कर लिया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको छोटा सा दूंगा, पुरातन काल से हमारे समाज में परंपरा चली आ रही है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति हमने देखे हैं जो अपने माता पिता की
सेवा करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता ही है कि हमारे सीआरपीसी 125 में, सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973 में एक जो है वो एक सेक्शन जोड़ा गया है, उसमें मेंटेनेंस या भरण पोषण के बारे में प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनको मेंटेनेंस या भरण पोषण की आवश्यकता होगी उन्हें भरण पोषण दिलाया जाएगा। बाद में समाज में हिंदू विवाह, हिंदू विधि के अंतर्गत भी भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। फिर बाद में भी हमारे यहाँ जो है वो माता पिता की सेवा करने के बारे में स्पेशल प्रोविजन अलग से कानून बनाए गए हैं, जिससे कि माता पिताओं को जो है वो भरण पोषण प्राप्त हो सके। तो रूढ़ी पुरातन काल से धीरे धीरे इसके अंदर लॉ का इन्फोर्स आने से इसमें बल आ गया लॉ का, और आज ये जो है वो ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन किया है वो किया है इसके प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, इसके आवश्यक तत्व और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से ये प्रचलन में आती है और किस तरीके से लॉ द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है। बाकी का जो चैप्टर है मैं इसके लिए आपको सेकेंड वीडियो में वापिस आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। नमस्कार।